श्री तो अकाल कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और सकुशल जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं नमस्कार आदा आप सत श्रीकाल कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद कर रहा हूं आप सभी अच्छे हैं और सकुशल पढ़ाई कर रहे हैं तो गुरु की उम्मीद के ऊपर हमेशा आपको खरा उतरना चाहिए ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी पढ़े पढ़ाई कर रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग सभी को बहुत ही शुभकामनाएँ और आशीर्वाद आप सभी खुश रहें खुश रहें बिल्कुल यहाँ पर कई बच्चे लिखते हैं कि सर पगे लागू तो बिल्कुल फूतो पलो और आगे बढ़ो पहले फूतो पलो तो बाद में लेकिन पहले मेहनत करके आगे बढ़ो है ना मेरे मित्रों तो आ, आज मैंने जो है कमेंट्स कई सारे देखे थे और मैंने मेरे पर्सनल मोबाइल पर्सनल आईडी से भी आपको एक कमेंट किया था शुरुआत के अंदर वो आप देख सकते हो Uh, शुरुआत के अंदर आप देख सकते हो आपके सारे जवाब मिल जाएंगे कि कल क्यों नहीं आया था आ, कल का सेशन क्यों नहीं हुआ तो सारे आपको जवाब मिल जाएंगे मैं पर्सनल आईडी से शुरुआत के अंदर कमेंट किए थे और आपसे गुजारिश की थी कि आप सभी लोग जो है बीच के अंदर अनावश्यक कमेंट ना करें कईयों को मैं देखता हूं कि वो लिख देते हैं कि आ, आप कहां से हो कैसे हो कैसे हो ठीक है एक बार बात कर लीजिए नंबर दे दीजिए अरे क्या करना बेटा नंबर लेकर आपको है ना नंबर लेकर क्या करना पढ़ाई करो पढ़ोगे वही काम आएगा और कुछ भी काम नहीं आने वाला तो बिल्कुल शाहपुरा जयपुर से कोई लिखता है जयपुर से कोई जोधपुर से कोई कहीं से कोई बिहार से कोई हैदराबाद से मैं कमेंट देखता हूं तो भैया एक बात याद रखना देश पहले आना चाहिए भरा नहीं जो भावों से भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं तो देश पहले आना चाहिए वी ऑल आर इंडियन वी और आर इंडियन और जब ये शब्द आता है ना इंडिया तो एक जोश जग जाता है तो इसी कड़ी के अंदर हम यहाँ पर पढ़ रहे थे इतिहास के अंदर गवर्नर जनरल के बारे में और यहां पर जब हम देखें अभी तक तो हमने जो बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़े अभी तक हमने बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़े अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में भारत के गवर्नर जनरल में किसके बारे में पढ़ेंगे गवर्नर जनरल के बारे में भारत के गवर्नर जनरल के, 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 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इज दैट क्लियर और भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वह कौन था विलियम बेंटिक ओके तो आइए बिना वक्त गवाही शुरू देते हैं हमारी इस सीरीज को और पहला जो गवर्नर जनरल बनेगा वह कौन बन रहा है विलियम बेंटिक ठीक है अभी तक तो हमने जो पढ़ा वह पढ़ा था बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में अब हम जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल के बारे में क्योंकि देखिए मेरे मित्र यहां पर देखिए क्योंकि हम बात करते हैं तो 1833 चार्टर एक्ट जो आया था 1833 जो चार्टर एक्ट आया था वह उसके तहत हम जब बात कर रहे हैं तो 33 चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया 33 चार्टर एक्ट के तहत 1833 चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल पद हटाकर बंगाल का गवर्नर जनरल पद हटाकर क्या कर दिया गया था क्या कर दिया गया था भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था ठीक है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था ठीक है इसीलिए यह भारत के पहले गवर्नर जनरल कहलाएंगे भारत का पहला गवर्नर जनरल ठीक है भारत का गवर्नर जनरल जो पहला होगा वह कौन होगा विलियम बेंटिक होगा ठीक है विलियम बेंटिक हालांकि इसके ऊपर हम पहले विस्तार के अंदर परिचर्चा कर चुके हैं पहले की सेशंस के अंदर विस्तार के ऊपर परिचर्चा कर, कर चुके हैं कि कौन बंगाल का पहला गवर्नर था कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर था कौन जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी यही विलियम बैंटिक होगा और भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है वो कौन होगा विलियम बैंटिक ही होगा अब देखिए इसके अंतर्गत इसके काल में क्या क्या कार्य हुआ देखिए सभी ब्रिटिश शासकों में भारत में ब्रिटिश शासक एक तरीके से गवर्नर जनरल और वायस राय को कहा जा सकता है सभी ब्रिटिश शासकों में सर्वश्रेष्ठ अगर शासक को कहा जाता है तो वह विलियम बैंटिक को कहा जा सकता है क्योंकि इसने भारत के अंदर कई सारे प्रशासनिक सुधार किए कई सारे राजनीतिक सुधार किए और भी जब हम देखते हैं तो विलियम बैंटिक के द्वारा कई सारे किए थे इस आधार पर इसे सर्वश्रेष्ठ शासक की जो है उपमा दी जा सकती है तो हम जब हम देखें तो सभी ब्रिटिश सभी ब्रिटिश शासक हम एग्जैक्टली कह नहीं सकते क्योंकि ये भी जो थे वह ब्रिटेन के शासक में थे तो सभी ब्रिटिश प्रशासकों में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रशासक इस में से एक माना जाता है क्योंकि देखिए कई दूसरे भी जो आए थे लिटन थे रीडिंग्स वगैरह थे वो उनके बारे में भी कई सारी बात आती है लेकिन उनमें से एक जो था वह कौन था सभी ब्रिटिश प्रशासकों में सर्वश्रेष्ठों में से एक था ये कौन था सर्वश्रेष्ठों में से एक था ठीक है में से एक था अब देखिए इसके काल में सती प्रथा को लेकर बहुत ही ज़्यादा याद किया जाता है भारत के अंदर एक प्रथा चला करती थी जिसे हम सती प्रथा के नाम से जानते हैं और इसी के काल में सती प्रथा का अंत हुआ था इसी के काल में किसका अंत हुआ था सती प्रथा का अंत हुआ था Is that clear? और सती प्रथा के अंत के तहत जब हम देखते हैं तो यह सती प्रथा अधिनियम लाया कौन सा अधिनियम लाया सती प्रथा प्रतिषेध अधिनियम लेकर आया ठीक है और यह अधिनियम कब आया था देखिए यह सवाल अब हवा हुए अब सवाल यह हवा हुए थे कि सती प्रथा किसके काल में प्रतिबंधित की गई अब ऐसे इजी इजी सवाल नहीं पूछे जाएंगे अब ऐसे कतई इजी सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि सती प्रथा किसके काल में बंद की गई यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो सती प्रथा अधि प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ ऐसा सवाल पूछा जा सकता है ये लागू हुआ था 4 दिसंबर 1900 सॉरी अट्ठारह को कब लागू हुआ था चार दिसंबर अठारह को अब देखिए मेरी बात ठीक है यहां पर जो है यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो सती प्रथा सती प्रथा प्रतिषेध अधिनियम सती प्रथा प्रतिषेध अधिनियम क्या था सती प्रथा क्या है सबसे पहले यहां पर देखिए सती प्रथा क्या है जब किसी का पति मर जाता था जब किसी पत, किसी का पति मर जाता था तब क्या किया जाता था पति मर जाने पर पति की चिता के साथ उसकी पत्नी को भी क्या कर दिया जाता था अग्नि के हवाले कर दिया जाता था यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि पत्नी अपने सत की रक्षा करने के लिए सती शब्द कहां से निकल कर आया है सती शब्द निकल कर आया है सत्य से पति पत्नी अपने सत्य की रक्षा करने के लिए जो है वो क्या कर देती थी अपने आप को अग्नि के हवाले कर देती थी अपने आप को अग्नि के हवाले कर देती थी ठीक है धीरे धीरे कालांतर के अंदर यह पहले कंपल्सेशन के अंदर नहीं आता था जब हम वैदिक साहित्य इत्यादियों को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर यह कंपलसेशन में नहीं आता था लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे इसको कंपल्सेशन के अंदर भी डाल दिया जाने लगा जिससे स्त्रियों की स्थिति खराब हो जाने लगी यहाँ पर एक बहुत बड़े समाज सुधारक आते हैं राजा राम राय जिनका नाम क्या था राजा राम मोहन राय और इन्होंने ही क्या किया था ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1928 में सॉरी अठारह में 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी सती प्रथा के खिलाफ जब इन्होंने आवाज उठाई तो राजा राम मोहन राय प्लस विलियम बैंटिक के संयुक्त प्रयासों से जो है सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था इस अधिनियम की धारा सात के तहत अगर देखिए बढ़कर थोड़ा डीप सवाल अगर आपको पूछा जाए कि सती प्रथा पर जो रोक लगी हम अक्सर याद करके आते हैं हम अक्सर ये याद कर लेते हैं कि सती प्रथा पर रोक किसने लगाई सती प्रथा को रोकने के लिए किस किसने अपना योगदान दिया था विलियम बेंटिक को याद कर लेते हैं ब्रह्म समाज को याद कर लेते हैं राजा राम मोहन राय को याद कर लेते हैं चार दिसंबर अठारह भी याद कर ली एक बार सवाल गया। देखना कितना डीप कई कई बार सवाल के अंदर ही खूब सारे आंसर देकर एक चीज पूछ ली जाती है एक बार सवाल पूछा गया था कि 4 दिसंबर 1829 को राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक के संयुक्त प्रयासों से सती प्रथा प्रतिषेध अधिनियम लागू हुआ इसकी किस धारा के तहत सत्रह सॉरी सात लिख दिया सत्रह किस धारा के तहत जो है सती प्रथा पर जो है रोक लगाई गई तो धारा सत्रह के तहत मैंने सात बोला सॉरी मैं इस पर मेरे शब्द वापस ले रहा हूं धारा सत्रह थी कौन सी धारा थी धारा सत्रह के तहत क्या कर दिया गया था सती प्रथा पर पूर्णता रोक लगाई गई थी ओके इज प्रॉब्लम इन द वीडियो बफरिंग हो रहा है कुछ कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है टेक्निकल टीम प्लीज चेक कीजिए ओके टेक्निकल टीम की तरफ से थम्सअप आ गया है आपके मोबाइल सेट के अंदर हो सकता है कोई दिक्कत है तो आप सुधार लीजिए ओके okay. तो यह धारा सत्रह के तहत क्या की गई थी सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी पूर्णतया यहां पर प्रतिबंधित हो जाएगी सती प्रथा इज दैट क्लियर अब देखिएगा मेरे मित्रों कि सती प्रथा के ऊपर तो रोक लग गई अब कुछ कहेंगे स्क्रीनशॉट ओके okay. ले लीजिए ओके okay. अब सती प्रथा पर तो रोक लग गई एक और प्रथा थी नरबली प्रथा कौन सी प्रथा थी नरबली प्रथा थी उसके ऊपर भी इन्होंने क्या किया रोक लगाई उसके बाद में जब हम देखते हैं तो एक एक प्रथा जो थी वो ये थी ठगी प्रथा क्या किया जाता था ठगी की जाती थी ठगी प्रथा थी कौन सी प्रथा थी ठगी प्रथा थी मतलब कई सारे जो ठग थे ना वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए आपने एक प्रमुख यहां पर जो है एक प्रमुख चित्र भी देखा होगा ठग्स ऑफ़ हिंदुस्तान ठग्स ऑफ़ हिंदुस्तान तो ठगी प्रथा भी यहां पर देखने को मिली थी और ठगी प्रथा पर रोक लगाने के लिए अब ये ठगी क्या होती है अब ठगी क्या होती है जैसे मैं आप सभी को कहूं आप मेरे अकाउंट के अंदर है ना दो दो हजार रुपए डालिए और 25 दिन में पैसा डबल 25 दिन के अंदर क्या पैसा डबल राजू भाई याद आए 25 दिन में पैसा डबल तो आपने मेरे के ऊपर यकीन करके मेरे अकाउंट के अंदर दो दो हजार रुपए डाल दिए मेरे ऊपर मेरे अकाउंट के अंदर आपने क्या डाल दिए दो दो हजार रुपए डाल दिए और आप सभी को भरोसा हो गया कि 25 दिन में पैसा डबल है ना और 25 दिन में पैसा डबल करने के चक्कर में आपने क्या किया आपने किया लेकिन मैं तो क्या हूं मैं तो ठग हूं मैं तो क्या हूं ठग हूं और मैंने क्या किया मैं मस्खरा हूं मैं तो ठग हूं और मैंने आपको ठग लिया मैंने आपको क्या कर लिया ठग दिया 25 दिन बाद मेरा कोई अता पता नहीं रहेगा 25 दिन बाद जब कोई भी अता पता नहीं रहेगा तो मैं यहाँ पर क्या कहलाऊंगा ठग ऐसे कई सारे कार्य हो रहे थे ठगे कोई साधु के बेस में ठग के जा रहा था कोई किस भेगी अंदर तो है आ, जो है वो ठीक है अब देखो यहाँ पर देवजी राम लिख रहे हैं कि 21 दिन में अरे 21 दिन में तो मेरे डबल हो रहे थे अगले के 25 दिन में भाई से डबल हो रहे थे ठीक है ना 25 दिन वाला वो चलता है ठीक है यहां पर जब आप देखते हैं तो हम मैं अगर ठगी करूंगा तो वो ठगी क्या ना पच्चीस बाद मेरा कोई अता पता नहीं तो कई सारे लोग ऐसे थे जो जनता को ठगने का कार्य कर रहे थे और उन्नीस में कब 1830 में विलियम बेंटिक के द्वारा किसके द्वारा विलियम बेंटिक के द्वारा 1830 में विलियम बेंटिक के द्वारा ठगी प्रथा के अंत हेतु ठगी प्रथा के उन्मूलन हेतु ठगी प्रथा के उन्मूलन हेतु कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की गई उन्मूलन हेतु कर्नल स्लीमैन किसकी नियुक्ति की थी कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की गई ठीक है और इसने क्या किया था ठगी प्रथा का अंत किया था यानी अगर आपको पूछा जाए कि ठगों को रोकने के लिए ठगों को रोकने के लिए किसकी नियुक्ति की गई तो ठगों को रोकने के लिए कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की गई ओके यहां पर कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की गई थी और इस कर्नल स्लीमैन ने ठगी प्रथा रोकी अब देखो आदत को तो नहीं बदला जा सकता ना वंस किंग ऑलवेज किंग ऑलवेज अ किंग जस्ट लाइक दैट जस्ट लाइक दैट वंस अंग ऑलवेज अंग जस्ट लाइक की आदत पड़ गई तो चोर बनता रहेगा एक बार की आदत गई, तो वो ठग रहता रहेगा इज दैट क्लियर और ठगो के चरित्र सुधार हेतु ठगो के चरित्र सुधार हेतु क्या किया गया था कर्नल स्ली मेल के द्वारा जबलपुर में एक औद्योगिक आध्यो, आध्यो, विद्यालय जबल जबलपुर के अंदर जबलपुर वर्तमान में है मध्य प्रदेश के अंदर उस वक्त आता था मध्य प्रांत के अंदर, जबलपुर के अंदर एक औद्योगिक विद्यालय खोला गया था जिसके अंदर ठगों का चरित्र निर्माण किया जाता था इज दैट क्लियर तो हम कह सकते हैं कर्नल स्लीमैन ने क्या करवाया था जबलपुर में जबलपुर में ठगों के चरित्र निर्माण हेतु चरित्र सुधार हेतु ठगों के चरित्र सुधार हेतु एक औद्योगिक महाविद्यालय एक औद्योगिक महाविद्यालय स्थापित करवाया औद्योगिक महाविद्यालय स्थापित करवाया इज दैट क्लियर औद्योगिक महाविद्यालय स्थापित करवाया था ठीक है जिससे क्या किया जा सके ठगों का ठगों का क्या किया जा सके ठगों का क्या किया जा सके चरित्र सुधार किया जा सके ये सवाल भी आता है ओके ये सवाल भी आता है कि अब देखो क्योंकि आदत तो नहीं सुधारी जा सकती ना एक बार चोरी की आदत पड़ गई वो चोर रहेगा एक बार आलसी पना आ गया दिमाग के अंदर तो वो बंदा आलसी हो जाएगा ठीक है यहां पर जब हम देखेंगे यहां पर जब हम देखेंगे कि भैया प्लीज चेक टेक्निकल टीम प्लीज चेक देर इज अ सो इश्यू इन द कमेंट बॉक्स ठीक है तो जब आवाज ही बच्चों तक नहीं जाएगी तो कैसे काम चलेगा बफरिंग हो रही है हर एक दो कमेंट के अंदर है तो बिल्कुल मैं आ, टेक्निकल टीम को कहूंगा कि वो इसके ऊपर नजर देखें ठीक है नजर डालें इसके ऊपर ओके वीडियो रुक रहा है देखिए हर कमेंट जो आ रहा है वो इसी पर आ रहा है हमारे हमारे यहां पे तो बिल्कुल टेक्निकल टीम को बिल्कुल यही वीडियो जो है वो बता दिया है यही वीडियो बिल्कुल बता दिया है ठीक आ रही आवाज और यहाँ पर भी कुछ कमेंट आ रहे हैं कि अरे तो भैया अभी नेटवर्क इशू हो सकता है और आपका मोबाइल भी इशू हो सकता है है ना भैया ओके ठीक है ओके सब आप देखो सब बच्चे कह रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है, है तो जिन, जिन के दिक्कत आ रही है उनके नेटवर्क का इशू हो सकता है जो प्रॉपर उनको नहीं सुनाई दे रही है बफरिंग हो रही है अटक रहा है आवाज सुनाई नहीं दे रही है उनके नेटवर्क का इशू हो सकता है टेक्निकल टीम बिल्कुल मुस्तैद है और टेक्नोलॉजी भी इतनी अच्छी है कि आप बिलीव नहीं करेंगे ओके तो देखिए ठगों के चरित्र सुधार के लिए हमने यहां पर औद्योगिक महाविद्यालय की स्थापना करवा दी है ठीक है उसके बाद में देखिए इसने और कौन कौन सी प्रथाओं के ऊपर बल लगाया था इसने एक तो कन्यावध कन्यावध व कन्यावध व नरबली प्रथा पर भी रोक लगवाई नरबली प्रथा पर भी रोक लगाई भी रोक लगाई अब देखिए रोक लगाने में और प्रतिबंध लगाने में क्या फर्क होता है रोक लगाने में और प्रतिबंध लगाने में क्या फर्क होता है यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो एक तो क्या होता है कि रोक लगा दी जाती है ठीक है अध्यादेश लाकर उसके ऊपर रोक लगा दी जाती है प्रतिबंध का मतलब है कि उसे कानूनी रूप से कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाए ओके okay ना उसे कानूनी रूप से क्या कर दिया जाए प्रतिबंधित कर दिया जाए तो रोक और प्रतिबंध के अंदर जो है हल्का सा टेक्निकली जो है जो है टेक्निकली फर्क होता है टेक्निकली फर्क होता है तो यहां पर इसने रोक लगाई है लेकिन इसने ठगी प्रथा और सती प्रथा के ऊपर तो प्रतिबंध लगा दिया था उसने ठगी प्रथा और सती प्रथा पर तो पूर्ण रूप से क्या लगा दिया था प्रतिबंध लगा दिया था अब देखिए विलियम बैंटिक के बारे में बात करते हैं तो यह उदारवादी बहुत उदारवादी व्यक्ति था उदारवादी व्यक्ति था और इसने हर प्रकार का भेदभाव कर, खत्म करने की बात कही थी इसने क्या किया सरकारी सेवाओं में सरकारी सेवाओं में सरकारी सेवाओं में धर्म जाति लिंग आदि का भेदभाव खत्म करने का प्रयास किया आदि का भेदभाव खत्म करने का प्रयास किया मतलब किसी गवर्नर जनरल ने पहली बार किसी गवर्नर जनरल ने पहली बार ये देखा कि किस प्रकार से सरकारी सेवाओं में धर्म जाति रंग जन्म स्थान इन सब को क्या कर दिया जाए समाप्त कर दिया जाए ठीक है और यहां पर जब हम बात कर रहे हैं ठीक है अब यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो यह भेदभाव समाप्त कर दिया अब सवाल कैसे बनेगा सवाल कैसे बनेगा हमारे लिए तो यही बात है कि भैया सवाल कैसा बनेगा सवाल यह बनेगा कि किस गवर्नर जनरल ने पहली बार किस गवर्नर जनरल ने पहली बार भेदभाव समाप्त करने की कोशिश की थी किस गवर्नर जनरल ने पहली बार भेदभाव समाप्त करने की कोशिश की थी वो कौन था विलियम सो फिर देखिए 1835 में 1835 में इन्होंने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की थी कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की भारत में पहली बार क्या हुआ मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1835 के अंदर तो यह भी पूछा जा सकता है कि कलकत्ता में पहली बार जो है किसके किसके अंतर्गत किसके काल में जो है मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई कब हुई इससे जुड़ा हुआ भी सवाल पूछा जा सकता फिर है फिर देखिए 1835 में ही इसने क्या किया 1835 में ही लॉर्ड मैकाले 1835 में ही लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ओके okay, कौन था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता के अंदर इसने एक मैकाले आयोग बनाया कौन सा आयोग बनाया इसने जो है मैकाले की अध्यक्षता के अंदर एक आयोग बनाया जिसे पहला विधि आयोग कहा गया में पहला विधि आयोग स्थापित किया कानून आयोग स्थापित किया इज दैट क्लियर पहला विधि आयोग स्थापित किया गया फिर जब हम देखते हैं विधि आयोग का स्थापना करके पहली बार मैकाले द्वारा पहली बार मैकाले के द्वारा कानून का वर्गीकरण किया गया मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण किया गया इज दैट क्लियर मैकाले द्वारा क्या किया गया था कानून का वर्गीकरण किया गया था ओके टेक्निकल टीम यस बिल्कुल यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कई कमेंट आ रहे हैं आवाज़ के अंदर इशू आ रहा है और बफरिंग का भी इशू आ रहा है तो दो मिनट इस टेक्निकल समस्या को हम सुलझा लेते हैं उसके बाद में हम वापस शुरू करते हैं इस टेक्निकल समस्या को वापस सुलझाकर शुरू करते हैं बिल्कुल हमारी राजूड़ी टीम जो है टेक्निकल टीम वो इसको सुलझा रही है ठीक है और हमारे प्रिय राहुल जी जो है वो इसको जल्दी से सुधार कर आपके सामने मेरे को वापस ला रहे हैं हाँ जी एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आ गया हूँ ठीक है हल्का सा टेक्निकल इशू था बिल्कुल देखो कई बच्चों के एकदम सही चल रहा है कई के नहीं चल रहा है तो हमें तो सबका ध्यान रखना चाहिए है ना अब बिल्कुल एकदम परफेक्ट चल रहा है ठीक है कुछ इशू था वका टेक्निकल टीम का इशू था उन्होंने बता दिया था नाउ इट्स ऑल क्लियर नाउ इट्स ऑल क्लियर इज दैट क्लियर कोई <laughs> यहाँ पर है कोई नल्ले नहीं है सब अपना अपना जो है अच्छे से देखना चा... अपना जो वीडियो है सब अच्छे से देखना चाहते हैं तो वह अच्छे से इसे देखें इसीलिए यह टेक्निकल इशू सुधारा गया तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि किस प्रकार से विलियम बेंटिक ने मैकाले आयोग की गठन किया और पहला विधि आयोग बनाया गया और यहाँ पर मैकाले के द्वारा कानून को वर्गीकृत किया गया मैकाले के द्वारा किसको वर्गीकृत किया गया कानून को वर्गीकृत किया गया था और इसी कड़ी के अंदर एक विवाद होता है आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद अब गौर करना मेरे मित्रों यहां पर विवाद कौन सा हो रहा है आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद ठीक है यहां पर आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद खड़ा हो गया ये क्या था आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद इन्होंने क्या किया विलियम बैंटिक के द्वारा मैकाले आयोग की अनुशंसा पर मैकाले अनुशंसा पर मैकाले मिनट्स के द्वारा अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया ठीक है अंग्रेजी को इन्होंने क्या किया अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया ठीक है आंग्ल भाषा हमेशा आप पूछते हो ना कि आंग्ल क्या होता है आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेजी आंग्ल भाषा को शिक्षा का माध्यम बना दिया पहले प्राच्य अंदाज के अंदर प्राच्य अंदाज के अंदर क्या की जाती थी पढ़ाई की जाती थी सभी अपने धर्म के अनुसार ही क्या करते थे शिक्षा लेते थे आधुनिक शिक्षा का जनक इसी मैकाले को कहा जाता है जो वर्तमान में हम बात कर रहे हैं कि जिस अंदाज की ये शिक्षा चल रही है जिस अंदाज की ये शिक्षा चल रही है वह बताने वाला वह शिक्षा का प्रारूप लाने वाला कौन था यह मैकाले था और इन्होंने आंग्ल भाषा को शिक्षा का माध्यम बना दिया इन्होंने शिक्षा का माध्यम किसे बना दिया आंग्ल भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया ठीक है इसीलिए आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है आधुनिक शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है आधुनिक शिक्षा का हिस्ट्री पढ़ते हैं पॉलिटिकल पढ़ते हैं और भी कई सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं ये आंग्ल शिक्षा माध्यम के हिसाब से देख रहे हैं है ना ये आंग्ल शिक्षा के माध्यम में हम देख रहे हैं कि वर्तमान के अंदर जो है किस अंदाज में पढ़ी जाती है और इस अंदाज को शुरू करने वाला कौन था लॉर्ड मैकाले को ठीक है और जब जब कोई नई चीज आती है तो उसके कई पहलू होते हैं कई पहलू होते हैं ठीक है और कुछ इसके विरोध में आते हैं जैसे भारत के अंदर जब पहली बार कंप्यूटर हुआ था आया था ना कंप्यूटर कंप्यूटर किसे पता था कि ये कंप्यूटर आगे जाकर क्रांति क्रांति लाएगी है ना ये कंप्यूटर आगे जाकर क्रांति लेकर आएगा किसे पता था लेकिन जब भारत के अंदर पहली बार कंप्यूटर आया ना तो आप यकीन मानोगे हड़तालें हुई थी कंप्यूटर का विरोध हुआ था कंप्यूटर का विरोध हुआ था आज आप जो है कंप्यूटर के माध्यम से आपके हाथ में भी जो है आपके हाथ में भी जो क्या है आपके हाथ के अंदर भी क्या है कंप्यूटर ही है कंप्यूटर ही है तो यहां पर जब हम देख रहे हैं तो कंप्यूटर जिस प्रकार कंप्यूटर का विरोध हुआ शुरुआत के अंदर इस शिक्षा प्रणाली का भी क्या किया गया था विरोध किया गया था इस शिक्षा प्रणाली का भी क्या किया गया था विरोध किया गया इसी वजह से यह आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद कहलाता है देखिए इसके जमाने में ही चार्टर एक्ट विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक के काल में ही विलियम बेंटिक के काल में ही चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट 1833 आया कौन सा आया चार्टर एक्ट 1833 आया इसीलिए विलियम बैंटिक है विलियम बैंटिक जो है वह क्या कहलाएगा विलियम बैंटिक जो कहलाएगा वही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा के बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा और यही भारत का पहला गवर्नर जनरल हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं भारत का पहला गवर्नर जनरल भारत का पहला गवर्नर जनरल इज क्लियर ओके फिर जब हम बात करते हैं तो इसके काल में आगरा में नई प्रेसिडेंसी का गठन किया गया आगरा में नई प्रेजिडेंसी का गठन किया गया आगरा में नई प्रेजिडेंसी का गठन हुआ और आगरा में एक सर्वोच्च न्यायालय भी स्थापित किया गया आगरा के अंदर सर्वोच्च न्यायालय भी स्थापित किया गया इसी के काल के अंदर फिर देखिएगा जब हम बात करते हैं इसने अदालतों में इसने अदालतों के अंदर क्या किया था अदालतों में फारसी भाषा को हटाकर फारसी भाषा को हटाकर अदालतों में इसने अंग्रेजी व भारतीय भाषाओं को शुरू किया था अदालतों में अदालतों में फारसी भाषा को हटाकर फारसी भाषा को हटाकर अंग्रेजी व भारतीय भाषाओं को शुरू किया अंग्रेजी व भारतीय भाषाओं को शुरू किया इज दैट क्लियर ओके okay, अंग्रेजी व भारतीय भाषाओं को शुरू किया था ओके okay. इज दैट क्लियर अंग्रेजी व भारतीय भाषाएं शुरू हो गई थी इज दैट क्लियर ओके आप स्क्रीन शॉट लीजिए ओके okay? तो दोस्तों कई सारे टेक्निकल इश्यू आ जाने के कारण जो है आ, हमने यहां पर आज तक जो है अभी तक अभी तक विलियम बेंटिक के बारे में पढ़ा है आने वाले सेशन के अंदर यहाँ पर आने वाले सेशन के अंदर हम सरकार सुधार अधिनियम पढ़ेंगे सरकार सुधार अधिनियम पढ़ेंगे देखेंगे कि किस प्रकार से इलाहाबाद के अंदर रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई थी सदर दीवानी और सदर निज़ामत के अधिकार अदालतों की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी डिविजनल कमिश्नरों की नियुक्ति की गई थी ठीक है मैसूर कुर्ग तथा कछार रियासतों का विलय हुआ था तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आगे हम सरकार सुधार अधिनियम में पढ़ेंगे ओके ठीक है तो आज इतना ही लेंगे आगे बढ़ेंगे आ, बिल्कुल मैं देख रहा हूं कई सारे कमेंट ठीक है तो आगे अग, अगली कक्षा के अंदर मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत